का भयो जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पे तेरो जन तुझे चरण अरविंद भवन मन पान करत पायो पायो रमैया धन संपत्ति विपत्ति पटल माया धन तामे मगन होत न तेरो जन प्रेम की जेवरी बांधियो तेरो जन कहे रविदास छुटी बो कवन गुन जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूं सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूं सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूं तमाम संतों गुरुओं रहबरों को बंदगी करता हूं आज के इस कार्यक्रम में संगत को दर्शन दीदार देने के लिए पहुंचे तमाम संतों को बंदगी करता हूं यह भी आवश्यक है तो बंधुओं यदि किसी का नाम छूट जाए तो मैं माफी चाहता हूं कोशिश की जाएगी जो मासिक सत्संग का कार्यक्रम 27 तारीख को दिन में लगता है हर महीने उसमें आपको मौका दें अब भी जो मैंने आपके बीच ये 2 मिनट का समय लिया है वो इसलिए लिया ताकि सबका मैं धन्यवाद कर सकूं आप सबने भरपूर सहयोग दिया है और जो 1 वर्ष पहले यही इसी दरबार से घोषणा हुई थी गुरु महाराज के मंदिर के निर्माण की 27 अक्टूबर 2023 को घोषणा हुई थी यहीं से और 27 नवंबर को काम शुरू हो गया था बंधुओं मंदिर का आप सब साक्षी इस बात के काम शुरू हुआ था या नहीं 1 महीने बाद ही और वो कार्य चल रहा है अब मैं आपको छोटी सी घटना सुना रहा हूं एक वो इस कार्यक्रम से संबंधित है इस 1 वर्ष में हमारे पास जो कार्यक्रम रहे जो हमारे पास खड़गपुर वाले यमुनानगर वाले कार्यक्रम थे कुछ या आश्रम के कार्यक्रम थे 1 वर्ष में वो 3 से 4 गुना बढ़ गए या तो महीने में सत्संग के 20-25 कार्यक्रम होते थे महीने में सत्संग के कार्यक्रम और संगत से जो मिलने के जनसंपर्क के कार्यक्रम हैं वो 1 महीने में 90 से 100 की गिनती भी पार हो गई 27 अक्टूबर का कार्यक्रम नजदीक आ रहा था और हम कार्यक्रम में प्रोग्राम में घूम रहे थे ये भी पता नहीं था कि भंडारा कैसे होगा 2 घंटे का समय यहां पर दिया 1 घंटे का कहीं और दिया थोड़ी देर का कार्यक्रम कहीं और दिया मेरे कई भाइयों ने साधुओं ने कहा कि जहां जाते हो पूरी रात क्यों नहीं रुकते मैंने कहा महाराज जी मेरी मजबूरी है पहले तो मैं भले ही बहाना बना लेता हूं कि फला कार्यक्रम में जा रहा हूं अब तो महाराज ने ऐसा कर दिया कि फुर्सत नहीं है ना तो रात में और ना दिन में फुर्सत है गुरु जी तो ये कहते हैं कि भाई ना तो मैं ही सोया और जो तू मेरा चेला है ना तुझे भी नहीं सोने दूंगा जितने ये बैठे ना बात चल रही थी कई मेरे गुरु भाइयों से बात चलती रहती ना किसी को चैन नहीं है ना रात में और ना दिन में कार्यक्रम की तैयारी कैसे होगी टेंट लाइट साउंड सारे खर्च की भी व्यवस्था करनी है भंडारे की भी व्यवस्था करनी है बंधुओं जब रात दिन कार्यक्रम में घूमते रहे कहीं सत्संग सुन रहे हैं कहीं सुना रहे हैं फिर तैयारी कैसे होगी कार्यक्रम की मैं आपको एक कहानी क्यों सुना रहा हूं सत्य घटना है ये यदि पूरा विश्वास इधर हो गया हमने समर्पण कर दिया ना यहां तो कोई कमी नहीं रहती फिर किसी भी तरह की आप बनावे आप परोसे आप पिला रहे नीर गुरु थारे बिना कौन बधावे महारी धीर
समय तो मिला ही नहीं। ये सोचा जहां सत्संग में जा रहे हैं वहां किसी को कह देंगे भैया दाल दे दिए तू या चावल दे दिए कुछ कर दिए, वो भी कहने का मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कहीं ठहरे तो किसी को कुछ कहें। जो नजदीकी भी थे फोन या तो पहले महीने में हो जाता था उनके पास कोई कॉल हो जाती है, वो भी बंद हो गई। सत्संग में बैठे हैं साउंड चल रहा है फोन पे बात भी ना होए। बंधुओं आपके सामने है कार्यक्रम सजा हुआ है और पिछले साल से कई गुना संगत यहां पर आई है। मैंने भाइयों से बंधुओं से कहा था जो गंगो वाली सत्संग कमेटी है भाई मंच के आसपास की ड्यूटी आपकी और जो ये गैलरी है ना इससे इधर मत बैठने देना संगत को, व्यवस्था थोड़ी सी बन जाएगी भाई जो मीडिया बंधु आए हैं उनके लिए सुविधा हो जाएगी। महाराज ने कहा कि बैठने की जगह नहीं रहेगी, जब पीछे जगह नहीं रहेगी तो जो ये गैलरी है ना इसमें भी संगत को बैठने दो। फिर सबको यहाँ पर भी बैठाया क्योंकि हॉल की जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा संगत आई, उससे बहुत ज्यादा आपका सहयोग रहा है। तो ये कृपा है मालिक की, गुरु महाराज की कृपा है। उन्होंने कहा कि जितनी यहाँ की क्षमता है उसी हिसाब से संगत आएगी, घबराओ मत, सारा कार्य होगा, सारा कार्य हो गया। एक बार आस्था रखे, विश्वास रखे, समर्पण करे, सारा कार्य हो जाता है। मंदिर का कार्य चल रहा है और इस विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा कि कब तक पूरा होगा, कब तक बनकर तैयार होगा, पता नहीं है उनके हाथ में। क्या पता अगले वर्ष की 27 तारीख को अक्टूबर में आपको कलश की तैयारी हो जाए, गुंबद तैयार हो जाए, वो तो उनके हाथ में। किस गति से काम करना है, कैसे काम कराना है उनके हाथ में, और कराएंगे किसके माध्यम से, आपके माध्यम से। देखो बंधुओं, चाहे भंडारा है और चाहे यहाँ का कार्य है, देने वाले वो है, उनका इशारा है किसके माध्यम से, आपके माध्यम से। देने वाले भी वो है, दिलाने वाले भी वो है, आप सब कर रहे हैं, सारी संगत कर रही है। हम कौन है? हमें सेवादार नौकर है, हम मालिक के भी नौकर है और संगत के भी नौकर है। संत तुझी तन संगत प्राण, संतों के भी नौकर है। तो एक इस चौकीदार का, इस पहरेदार का एक आग्रह है आपसे, एक विनती है, एक निवेदन है। जैसा प्रेम आपने इसे एक वर्ष में दिया है ऐसा ही प्रेम बना करके रखना, वो आस्था बना करके रखना। और जो मैं आपको कई महीने से कुछ बात सुना रहा हूं ना, जगह जगह जा करके, जैसे ही मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होगा एक बहुत बड़ा शिलालेख होगा, एक पूरी दीवार होगी जिस पर पत्थर लगेगा, सभी आश्रमों की सूची होगी, सभी महात्माओं की सूची होगी, सभी प्रचारकों का नाम होगा उस सूची में, और जितने भी जिसने जिस भी माध्यम से सहयोग किया है, चाहे वो गायन के माध्यम से, चाहे वो वादन के माध्यम से मिशन को अपनी सेवाएं दी है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से अपनी सेवाएं दी है, उस सूची में उन सब का नाम होगा, कोई छूटेगा नहीं। ये मेरा प्रयास रहेगा। एक और बात इस कड़ी में मैं जोड़ने जा रहा हूं, जो हमारे प्रचारकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जो बच्चों के लिए त्रिदिवसीय एक संस्कारमाला शिविर और एक फ्री कोचिंग सेंटर जिसके लिए हमने पहले से ही तैयारी की हुई है, जल्द ही एक महीने के अंदर अंदर ही ये कार्य अब जल्दी शुरू हो जाएगा। यहां पर ये गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ओन का प्रांगण है, यहां आप आस्था के साथ में जुड़े रहें। वो सभी कार्य जो गुरु जी ने, स्वामी समंदास जी महाराज ने निर्देशित किए हैं, जो उन्होंने आदेश दिया है, एक बायलॉज है इस आश्रम का, वर्ष 1976 में जो सदगुरु स्वामी समंदास जी महाराज ने नियमावली बनाई थी आश्रमों के संचालन के लिए, साधुओं के लिए, प्रचारकों के लिए और संगत के लिए, प्रयास है कि जल्द ही अगले महीने से वो सारे कार्य
ज्यादातर अधिकतर कार्य यहाँ से संचालित हो और यहाँ से वो सेवाएं संगत को समाज को उपलब्ध कराई जाएगी। चलते चलते एक बात और है, अभी जैसे लेंटर का जिक्र चल रहा था, भाई एक लेंटर लगना है मंदिर का, पहली मंजिल का लेंटर है। सभी ने अपनी ओर से सेवाएं, सभी थोड़ा थोड़ा जितना भी कुछ बन रहा है वो सभी ने, यहाँ पे कुछ ने घोषणा कराई है, कुछ ने सहयोग दिया है अपना, बिल्कुल पर्दे में ही सहयोग दिया है, ऐसे भी कर रहे हैं कुछ बंधु। आप एक कोशिश करें कि जो गुरु घर है आपका, सबका है ये, आप फरकपुर को कह सकते हो कि ब्रह्मचारी का है, वैसे है वो भी आपका ही। एक भी चीज को मैंने ट्रस्ट से मस नहीं किया, गुरुजी के नाम है सारा कुछ, आज भी उन्हीं के नाम पर है, उन्हीं के नाम पर रहेगा। पर कुछ लोग कह देते हैं ना कि भाई वो तो ब्रह्मचारी का है, ये आप सबका है। कोशिश करें कि जब सबका है, ये जगह सबकी है, तो इसमें फिर सबका सहयोग भी बनता है। चाहे एक ईंट लगा देना अपने घर से, पर ये जो गुरु महाराज का दरबार बन रहा है ना, सबके साजे का है, सबके घर से लगना चाहिए कुछ ना कुछ जरूर। सुन रहे हैं जी आप, इतनी मांग नहीं कर रहा हूं आपसे, ये नहीं कह रहा हूं इतना दे दो, एक ही बना दो, अकेला ही बना दो इसको मंदिर को, ये नहीं कह रहा हूं मैं, ना ना। अगर अकेला कोई बनाए अपने घर पे बना लो भाई, कहीं भी बना लो, नहीं सबने करना है, सबके घर से इसमें सहयोग लगना चाहिए। चाहे एक ईंट का सहयोग करना, चाहे एक कट्टा सीमेंट का सहयोग करना, सबके घर से इसमें सहयोग आना चाहिए, तब जाके सार्वजनिक है, तब जाके सबका है, तब जाकर ये साझे का है, तब जाके एक अनुभूति होगी अंदर से कि हाँ हमने कुछ सेवा दी। और वो जो देंगे ना, वो भी अंदर से होना चाहिए, यानी कि किसी दबाव में आकर के किसी तरह से आपने दे दिया, फिर सोचे ज्यादा तो नहीं हो गया, कहीं कम करना चाहिए था, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बात यहीं पर समाप्त नहीं होगी, मंदिर के बाद की जो कार्यविधि है वो आपको बताई जाएगी, आगे आप सबके सहयोग की उम्मीद है। और मैं क्षमा चाहता हूं यदि किसी के शान में कोई शब्द मेरे मुंह से निकला हो, चाहे कोई हमारे महात्मा जी है, कोई प्रचारक है या संगत समाज है, किसी की शान के प्रति भी यदि मेरी जिह्वा से, मेरी रचना से कोई शब्द ऐसा निकला हो, किसी के मान सम्मान को यदि ठेस पहुंची हो, या कार्यक्रम में मेरे अलावा भी किसी के द्वारा किसी के सम्मान को ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए, क्योंकि ये कार्यक्रम सबका है भाई, मैं माफी चाहता हूं। उसके लिए जो हमारे बुजुर्ग साधु भी आए हैं, बुजुर्ग प्रचारक भी आए हैं, सभी से मैं आग्रह विनती करता हूं, आप अपनी कृपा बना करके रखें, अपना आशीर्वाद रखें, और ये आप जो आपने सहयोग किया है, जो आपने मेहनत की है, वो किसी से वो रलेगी नहीं। वो स्वामी जी कहते थे जो जिसने मेहनत की है, वो मेहनत दर्ज हो रही है, वो मालिक के खाते में लिखी जा रही है। आप सबको देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है, मुझे बल मिलता है, आपका प्रेम ही मेरी ताकत है। इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मैं महात्माओं से भी कह रहा हूँ, अपने बुजुर्गों से कह रहा हूँ, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना, आपकी छत्र छाया, आपका आशीर्वाद से ही ये कार्य आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं शब्दों के साथ रजा चाहता हूँ जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, सतनाम जी। और एक और आग्रह है सारी संगत से, हर महीने की 27 तारीख को दिन में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक गुरुविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन में सत्संग का आयोजन किया जाता है। सभी श्रद्धालु सब समय से पहुंच करके महीने की संगत में भी शामिल होए। सतनाम जी, सतनाम जी, सतनाम जी।